दोस्तों फाइनली यहां पर Realme ने ये कंफर्म्ड कर दिया है कि 15th ऑफ जुलाई को Realme X रिवील्ड कर दिया जाएगा। पर दोस्तों यहां पर Realme एक ब्रांड न्यू डिवाइस पे काम कर रहा है जिसमें आपको क्वाड कैमरास एंड स्नैपड्रैगन का 855 एंड 5G की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस डिवाइस के कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन क्या होने वाले हैं, इसके वेरियंट्स कौन कौन से होंगे, इसकी प्राइस क्या होगी और दोस्तों ये इंडिया में कब तक रिलीज किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने आज की हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको सारी जानकारी हो पाएगी इस डिवाइस के बारे में। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बात कर लेते हैं यहां पर स्क्रीन एंड डिजाइन की। तो आपको यहां पर 6.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो बात करें यहां पर ओवरऑल लुक की, तो आपको यहां पर ग्रेडियंट लुक पीछे की तरफ देखने को मिलने वाली है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो ग्लास एंड मेटल की ही होने वाली है। तो बात करें यहां पर कैमरास की, तो आपको यहां पर 4 कैमरास पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। दोस्तों 3 कैमरास की ज्यादा पुष्टि यहां पर नहीं हुई है, पर दोस्तों जो मेन सेंसर होने वाला है वो होने वाला है सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का GW1 सेंसर। दोस्तों यहां पर ये पहला स्मार्टफोन होगा इंडिया में जो 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ रिलीज किया जाएगा। बात करें यहां पर फ्रंट कैमरास की, तो आपको यहां पर 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो बात करें यहां पर बैटरी एंड चार्जिंग की, तो आपको यहां पर 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ 50 वॉट का फास्ट चार्जर डिब्बे में ही मिलने वाला है। तो इसमें आपको हेडफोन जैक की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी, ये रन करेगा एंड्रॉइड पाई पर और इसमें आपको Realme OS देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम यहां पर बात करें प्रोसेसर की, तो आपको यहां पर स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर रूमर के हिसाब से इस स्मार्टफोन में 5G की भी सपोर्ट होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इंडिया रिलीज डेट की, तो यहां पर जो रूमर्स निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये है कि ये डिवाइस इंडिया में अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा। और बात करें यहां पर वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की, तो दोस्तों यहां पर 2 वेरिएंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला वेरिएंट होगा 6GB रैम विद 64GB स्टोरेज, उसकी प्राइस होने वाली है ₹30,000, और दूसरा होगा 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस होने वाली है ₹32,000। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है इस डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आपका जो दिन है वो मंगलमय हो।